अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और पेज नंबर 46 पे आपकी टेस्ट फॉर सेल 3.1 आपका ये आज का लेक्चर है और आप लोगों ने इसको याद भी करना है। ये टॉपिक्स हम तकरीबन कर चुके हैं और बस ये कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए उसका मैंने आंसर्स वगैरह लिख दिए हुए हैं, सिर्फ ये आंसर्स लिखे हुए हैं। आपने क्वेश्चन अपनी बुक से देख लेने पेज नंबर 46 पे टेस्ट फॉर सेल 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डोब्राइनर टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। डोब्राइनर की क्या कंट्रीब्यूशन थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। ही ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मैसेज ऑफ द सेवरल ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स आर ट्राइड्स। इन दीज ग्रुप द सेंट्रल और मिडिल एलिमेंट हैड एटॉमिक मैसेज एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। कल ये बात हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। डोब्राइनर ने बेसिकली तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप अरेंज किया और उनके दरमियान में जो एटॉमिक मैसेज का रिलेशनशिप है वो उसने फाइंड आउट किया, उसने ऑब्जर्व किया। उसने ये ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट और जो लास्ट वाला आपका एलिमेंट का एटॉमिक मैस है अगर उसकी आप एवरेज निकालते हैं तो सेंट्रल या मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मैस के बराबर होगा। तो डोब्राइनर का कंट्रीब्यूशन ये था कि उसने एटॉमिक मैसेज को फाइंड आउट करने में हेल्प करवाई अपने थ्री ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स। न्यूलैंड ने आपको पता है ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स, यानी कि उसने 18 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसने अरेंज किया इन अ हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, उसका मकसद यहाँ पर मकसद भी पूछा गया, सिर्फ यही पूछा गया कि उसने कैसे अरेंज कर दिया। जस्ट आपको बताना है, ही अरेंज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस इन हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो उसकी जो तारे होती हैं उसके अंदर उसमें जो है 8 एलिमेंट्स का ग्रुप जो है उसने अरेंज किया उनके एटॉमिक मैसेस के बढ़ने के मुताबिक। उससे ये हुआ कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वे क्रेडिट लेवल के साथ तब्दील होना शुरू हो गई, रिपीट होना शुरू हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हु इंट्रोड्यूस द नेम पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हम किसने इंट्रोड्यूस करवाया, ये सबसे पहले मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस करवाया और आपके लिए मेंडलीव इंट्रोड्यूस पीरियोडिक टेबल। साइड ब्लॉग भी लिखा हुआ आपकी बुक पे पेज नंबर 45 पे मेंडलीव के बारे में थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाई इंप्रूवमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कॉज में। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इंप्रूवमेंट की क्यों जरूरत थी। उसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि एक तो उसने एलिमेंट को उनके एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, तो इस वजह से ही डिड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया उसने, उसने जस्ट एटॉमिक मैसेज मेंशन किए उनके आगे आइसोटोप्स थे उनकी पोजीशन को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। और रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज थे ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज ऑर्डर था वो सही नहीं। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। फिर इस तरीके से जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक रहा था जो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मैसेज था फिर उसको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चेंज किया गया। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप बुक में भी आपने मेंशन किया हुआ है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है जिसमें मिस्टेक्स के चांसेस जो है बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर फिर देखें, स्टेटमेंट लीव्स पीरियोडिक। अब मेंडलीव का पीरियोडिक ला गया था यानी कि उसने पीरियोडिक टेबल किस असूल के तहत बनाया था, तो वो असूल ये था एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग उसने बनाया था, उसने कहा था एटॉमिक मैसेज जो है वो बेसिकली उनका पीरियोडिक फंक्शन है। इट स्टेटेड एज प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, यानी कि अगर आप एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वे रेगुलर इंटरवल के साथ तब्दील होगी। ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है वो हमने कल पढ़ा है, वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। लेकिन मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है वो एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग है। पर मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर से अरेंज करने का फायदा क्या है कि एटॉमिक नंबर एक तो हर एलिमेंट का फिक्स होता है और पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर बड़े रेगुलर इंटरवल से चेंज होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह
और कैसे पीरियड में अरेंज होते हैं? बेटा पीरियड आपको पता है हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसको जो है वो अरेंज किया गया, क्योंकि बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट रेगुलरली। अगर आप इस तरीके से नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में आप अरेंज करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं